फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेगूसराय ब्लॉगर। तो आप लोग कैसे, अपना हाल चाल मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो, यह मेरे चैनल पे बिल्कुल नया वीडियो है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं निकलना है। कहाँ निकलना मैं वो आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। तो यह वीडियो मेरा थ्रेडिंग का है। जस्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी तक अपना आईब्रो नहीं करवाया है। मैं आज अपना आईब्रो करवाने का फाइनली डिसीजन ले ली हूँ। बहुत बार सोचने के बाद मैं नहीं करवा पाती थी, बट आज हिम्मत कर लिया मैंने। बहुत डर लगता है फर्स्ट टाइम, जैसा कि मुझे भी अभी बहुत डर लग रहा है। तो मैं अभी जाऊँगी जावेद हबीब में, मैं अपना आईब्रो करवाऊँगी, फोरहेड करवाऊँगी, क्योंकि मेकअप का जो भी बेस होता है इस नहीं बनता है। अगर आपका फेस क्लीन नहीं है तो इस पर बेस नहीं बैठेगा अच्छे से। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम मैं हबीब में ही जा रही हूँ करवाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा वही पार्लर जाती हूँ। इधर उधर मुझे करवाना नहीं पसंद है। और आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवा रहे हो तो फर्स्ट टाइम कोई अच्छे जगह से करवाओ, कोई भी अच्छे जगह से, अपने आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर, जो भी अच्छा जगह हो। देन सेकेंड टाइम आप जब भी करवाओ, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, आपका सेप दे देता है वो, कोई अच्छा जगह। फर्स्ट टाइम आपका सेप बनता, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जितना भी टाइम हो। तो उसके बाद आप उस पर कहीं से भी करवा सकते हो, क्योंकि एक सेप बनने के बाद आपको भी आइडिया हो जाता है कि कोई भी पार्लर वाली, कोई भी आपका आईब्रो ख़राब नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से फर्स्ट टाइम कोई भी अच्छी जगह से करवाओ, देन आप लोग की मर्ज़ी। तो मैं अभी वहीं जाऊंगी, और वो काली स्थान के पास है। मे भी जो भी बेगूसराय के होंगे, जो बेगूसराय के हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा बेगूसराय में जूम है। जूम के ऊपर जावेद हबीब अभी नया खुलाई है, तो मैं वहीं जाऊंगी अभी करवाने के लिए। तो वहां पे जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, और वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे। तो देखिए वहाँ का क्या सर्विस है, वो हम लोग मेरा आईब्रो कैसा बनाते हैं, मैं आप लोग को सब कुछ ऑनेस्टली बताऊँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं निकलती हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ हबीब, और जा रही हूँ ऊपर। उनसे पर पूछूँगी, वो अगर मुझे सूट करने के लिए देंगे तो मैं सूट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ये रहा बाहर का लुक। मैं चली अंदर, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मुझे परमिशन मिल चुका है सूट करने के लिए, बट मेरा जो भी आईब्रो करेंगे वो उनको मैं नहीं करूँगी कैमरा के सामने, क्योंकि उनको नहीं पसंद है। बस जस्ट मैं अपना सूट करूँगी। तो आइए मैं अपना फोरहेड करवाती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने अपना आईब्रो करवा के, फोरहेड करवा के, अपर लिप्स सब कुछ करवा के मैं अपना घर आ चुकी हूँ। मुझे सही में बहुत दर्द हुआ, इतना फर्स्ट टाइम, सीरियसली मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम बहुत दर्द हुआ। बट वहाँ के स्टाफ इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे से ने मुझे कंपनी दिया, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती हूँ। मे भी उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्लियरली, मैंने मतलब अच्छे से सूट नहीं हो पाया। मैंने जस्ट टेबल पे अपना कैमरा रखा था, वहाँ से सूट हो रहा था, बट जस्ट आप लोग देख सकते हैं आईब्रो कितना अच्छा बना है फर्स्ट टाइम। सच में मतलब इतने अच्छे से उन्होंने मुझे कंपनी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आईब्रो करवाने जा रहे हैं तो आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लव यू ऑल।